अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ हम कैसे लिंक करेंगे, इसका ऑनलाइन प्रोसेस आ चुका है। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में वोटर आईडी कार्ड को लिंकेज करना है तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। कैसे करना है चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली तो दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ में वोटर आईडी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको वोटर हेल्पलाइन सर्च करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा वोटर हेल्पलाइन का एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे एग्री है, आपको एग्री करना है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको एक लैंग्वेज चूज करके नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने इसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद वोटर सर्विसेज में नीचे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको क्लिक करना है नीचे इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म फॉर्म 6B नीचे। इसके बाद आपको नीचे लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अभी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP करना है। अभी आपके मोबाइल में OTP आएगा, OTP को डाल के वेरीफाई करना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है क्या। अगर आपको नहीं पता वोटर आईडी कार्ड का नंबर तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको अपना नाम, पेरेंट का नाम, आपका जो सेक्स है मेल या फिर फीमेल, एज डालना है। स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डाल के आपको नीचे प्रोसीड करना होगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे। अभी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से चूज़ करना है। स्टेट को चूज़ करने के बाद फेच डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड करेंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, हमको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका डिटेल्स आ जाएगा। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको ये वाला पेज आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अपना आधार डिटेल्स देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है या फिर जिस स्टेट में, जिस शहर में आधार नंबर नहीं बनता है, वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना एक डिटेल्स देंगे, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ पर क्लिक करके, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर अपलोड करेंगे। लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम क्या करेंगे, इस पर आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका प्लेस लिखने के बाद डन कर देना है। अभी आपके सामने फॉर्म 6B का प्रीव्यू आ रहा है, आप यहां पर डिटेल्स में देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको कन्फर्म का एक बटन मिलेगा, बस आपको यहां पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका आ चुका है थैंक यू का मैसेज, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। डेट आ चुका है, आपका एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट हो चुका है। सो इस तरह से अगर आपको वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है तो आप आसानी के साथ ये प्रोसेस से कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि वोटर आईडी कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अपडेट ये है कि वोटर आईडी कार्ड को बनाने का जो एज था पहले 18 साल, अभी उसे कम करके 17 साल कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के बाद जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा तो 18 साल पूरा होने से पहले या वोट दे सकते हो, ये बात बिल्कुल भी गलत है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे। सो सच्चा यही है कि आप 18 साल से पहले ही, 17 साल जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई भले ही आपका हो जाएगा 17 साल में और भले ही वो वोटर कार्ड आपके पास आ जाएगा 18 साल से पहले, फिर भी आप 18 साल जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप वोट देने नहीं जा सकते। तो ये था अपडेट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इसका डिटेल्स वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।